द्रौपदी, आपको बता दें कि द्रौपदी की गिनती उन चंद महिलाओं में से एक नाम आता है जिनकी आज भी पूजा की जाती है। आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम आपको ऐसे पांच रीजन बताएंगे, उनके पांच अस्त्र बताएंगे, उनका जिंदगी कैसे खुशहाल रहता था, वो कैसे उनके पांच अस्त्र थे जिनको वो फॉलो करती थी। नंबर पाँच पे आता है धर्म का मार्ग। आपको बता दूं कि द्रौपदी हमेशा धर्म के मार्ग पर चलती थी, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी उनका रहन सहन हो, लेकिन हमेशा वो धर्म के मार्ग पर ही चलना पसंद करती थी। नंबर चार पे है उनकी इच्छाएं। आपको बता दूं कि उनकी इच्छाएं काफ़ी सीमित थी, इसी वजह से उनको ज़्यादा का लालच कभी भी नहीं हुआ और इसी वजह से उनका हमेशा परिवार काफ़ी खुशहाल रहा। एक स्त्री में एक इच्छाएं सीमित होना काफ़ी ज़रूरी रहता है उनकी अच्छे ज़िंदगी के लिए। नंबर तीन का था धैर्य। धैर्य की बात करें तो उनमें काफ़ी धैर्य था। कई सारे इंसिडेंट में आपने देखा हो कि द्रौपदी ने काफ़ी धैर्य रखते हुए उस परिस्थिति का सामना किया है, जिसकी वजह से वो आगे चल के एक महान लेडी के रूप में सामने आई हैं। नंबर दो पे आता गुस्सा। आपको बता दूँ कि द्रौपदी में गुस्सा भी काफ़ी कम था। कहीं कहीं आपने ज़रूर देखा होगा उनका गुस्सा जैसे द्रौपदी चिरंजीवी में, लेकिन हमेशा उनको गुस्सा नहीं आता था। नंबर एक पे आता भाषा और बोली। आपको बता दूँ कि द्रौपदी की भाषा और बोली इतनी मीठी थी कि उनको कड़वा बोलना नहीं आता। उनके मन में कोई क्या बोलते हैं वो नहीं था, वो दिखावा करना उनको बिल्कुल नहीं आता, शो ऑफ बोलते हैं उनको, उनके मन में बिल्कुल भी वो नहीं था। वो हमेशा सरल रहती थी, उनकी भाषा और बोली हमेशा मीठी रहती थी।